जी, और यहाँ पे अच्छी शुरुआत रही है और क्विंटन डिकॉक जल्द ही काफी दबाव बनाए रख सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टैट भी नजर आ रहा है हमें कि भुवनेश्वर कुमार ने क्विंटन डिकॉक को ओडीआई क्रिकेट में कभी आउट नहीं किया है। और यहाँ पे फिर और एक गेंद लेंथ पे राउंड द विकेट आ रहे थे, इसे पंच कर दिया है डाउन द ग्राउंड, 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। क्विंटन डिकॉक की बहुत बहुत बेहतरीन शुरुआत, और जब ये लय में होते तब देखने लायक बल्लेबाज होते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इनके पास स्ट्रोक्स हैं, जिस तरीके से हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं इनफेक्ट ये कहूंगा इनके विषय में। और वेल, जितने ये बढ़िया बल्लेबाज हैं उतने ही बढ़िया इंसान भी हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है, और जिस तरीके से एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है वो करना जानते हैं, और शायद वही दुआएं इनके साथ ज़्यादा रहती भी हैं। तो वेल, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जितनी नज़दीकी से मैंने इनको देखा है, ये मैच में जिस तरीके से अपने आप को अप्लाई करते हैं, जिस तरीके से अपने जो टैलेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, वो सराहनीय है। जिस भी दबाव आप देख लीजिए, वो सब चीज़ें ग्राउंड के बाहर रह जाती हैं, और जब ग्राउंड के अंदर वो होते हैं तो आपको एक अलग व्यक्तित्व देखने को मिलता है। आज भी आपने अगर नोटिस किया हो निशात, तो जिस तरीके से वो फील्ड प्लेसमेंट भी कर रहे थे, वो कप्तान नहीं है लेकिन जिस तरीके से वो फील्ड प्लेसमेंट भी कर रहे थे, मैं वही चीज़ें नोटिस कर रहा था कि बबूमा जो है उनको बिल्कुल भी बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, अपनी जगह पे खड़े थे और बाकायदा वो फील्ड सेट कर रहे थे। तो ये एक टीम मैन भी हैं, ये भी ये स्थापित कर चुके हैं, और ये एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं। खैर, उसके लिए तो कोई सबूत चाहिए नहीं।